Good morning, dear children. Welcome back to EVS WhatsApp classes. I hope you had a relaxing weekend. Today we'll start a new chapter, Air, Water and Weather. Children, in your previous class you have read about weather. What is weather? Weather is the condition of atmosphere of a place at a particular time. किसी जगह का किसी निश्चित समय पर कैसा वातावरण है उसे मौसम कहते हैं. उस समय उस जगह का वातावरण क्लाउडी हो सकता है, रेनी या सनी भी हो सकता है. द वेदर कैन बी चेंज रैपिडली. इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो टू स्कूल. व्हाइल रिटर्निंग होम यू फाइंड दैट इट हैज़ बिकम क्लाउडी एंड रेनी. कभी कभी सुबह जब आप स्कूल की तरफ जाते हो तो हो सकता है बहुत ही ब्राइट और बहुत धूप निकली है, लेकिन जैसे ही आप घर की ओर आते हो आफ्टरनून में तो देखते हो बारिश हो रही है. सो मौसम जो है वो चेंज होता रहता है. चिल्ड्रन, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन सन एंड वेदर. सूरज की गर्मी और मौसम आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि हवा का चलना और क्लाउड्स या बादलों का बनना सूरज की गर्मी पर निर्भर करता है. सो वेदर कीप्स चेंजिंग. डू यू नो व्हाट एल्स मेक्स द वेदर अपार्ट फ्रॉम सनशाइन? सन के अलावा और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं, जैसे विंड, टेम्परेचर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, दे ऑल्सो इफेक्ट द वेदर. You may not be familiar with these terms. आपको आपने शायद इन terms के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा. So let's know about them. What is wind? Wind क्या होती है? We cannot see the air. हम हवा को नहीं देख सकते, but we feel the moving air, which is called wind. हम बहती हवा को महसूस कर सकते हैं, जिसको कि wind कहते हैं. What causes the movement of air? हवा किस कारण से चलती है? Children, it's very simple. The heat from the sun warms the earth during the day. दिन के समय सूरज की गर्मी अर्थ पर पड़ती है, जो जमीन और समुद्र के पानी को वार्म या गर्म करती है. But land gets warmer faster than the sea water. आपको पता है पानी को गर्म होने में टाइम लगता है. सो जब लैंड गर्म होता है तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से वह लाइट और हल्की होती है. गर्म हवा जो है वो लाइट होती है या हल्की होती है. सो इट राइजेज अप, ये ऊपर की ओर उड़ती है. एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस. जब गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है तो आगे पीछे की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए उस तरफ को बहती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीज. सो चिल्ड्रन, वी हैव लर्नड दैट ब्रीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन हीट. ब्रीज दो जगह के तापमान या गर्मी में अंतर की वजह से बहती है.